चलिए अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉब्लम में हमें ग्रुप टू एलिमेंट्स के कुछ कार्बाइड्स गिवन हैं और हमें यह पूछा है कि अगर हम इन कार्बाइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ गिवन ऑप्शंस में से कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होता है तो यदि हम बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ मीथेन गैस मिलती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेरिलियम कार्बाइड में कार्बन c4 आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये वॉटर से H+ आयन रिमूव करके मीथेन फॉर्म करता है और यहाँ पर बनने वाला मीथेन हमारा कंपाउंड एक्स होगा वहीं अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें इथाइन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलती है कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन सी टू टू माइनस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल से दो एच प्लस आयन रिमूव करके इथाइन गैस बनाता है वहीं अगर हम एम जी टू सी थ्री की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ सी थ्री एच फोर एज ए प्रोडक्ट मिलता है एम जी टू सी थ्री में कार्बन सी थ्री फोर माइनस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि वाटर से चार प्रोटॉन्स लेकर C3H4 फॉर्म करता है जो कि एक अल्काइन होता है आई होप आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गए होंगे इस तरह से गिवेन ऑप्शन में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है